In our first video, we have seen the question 3 of practice set 1, 2, 3 of practice set 1.1. Question 3 onwards, we now going to discuss on question 3 onwards. Means questions, we start from question 4. Question 4. क्या कहता है क्वेश्चन फोर ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी सी सच दैट नंबर लाइन लेट ए दिस इज अवर बी दिस इज अवर सी लेट ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी सी सच दैट डिस्टेंस ए सी इक्वल टू टेन डिस्टेंस ए सी इक्वल टू टेन and distance CV equal to at. This is the distance at. Find distance AB. Consider all possibilities. ये बोला है उसने. Consider all possibilities means कौन between है ये नहीं बताया है. बस हमें बताया है कि distance AC equal to 10, distance CV equal to 8. Find distance AB. Consider all possibilities. तो पहली possibility ऐसी आ सकती है कैसी लेट लेट बी लाइज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी पहली पॉसिबिलिटी ये लगते हैं हम कि बी बिटवीन है ए और सी तो हमें क्या मिलेगा जब बी बिटवीन है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो क्या डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी देयर फोर व्हाट वी गेट डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये तो डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है अपने को डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज गिवन डिस्टेंस बी सी सी भी एक ही है क्या है एट इक्वल टू डिस्टेंस ए सी इज ऑल्सो गिवन टेन सो एट ब्रिंग दिस साइड राइट साइड डिस्टेंस ए बी इक्वल टू टेन माइनस एट इक्वल टू टू तो क्या है फर्स्ट पॉसिबिलिटी बी इज इन बिटवीन ए एंड सी देन वी गेट डिस्टेंस ए बी इज टू अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या देखते हैं कि सी बिटवीन है और बी लास्ट में लेट दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इन सेकंड केस लेट पॉइंट सी लाइज इन बिटवीन ए एंड बी तो क्या है ये नंबर लाइन है दिस इज अवर नंबर लाइन ये लास्ट में भी है क्या बोला है पॉइंट सी एंड हेयर इज सी तो डिस्टेंस ए सी इज गिवन डिस्टेंस ए सी इज व्हाट टेन इतना टेन है और सी बी भी दिया है ए कितना है एट देन डिस्टेंस ए भी क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी बी मीन्स टेन प्लस एट एटीन दो पॉसिबिलिटीज है एक पॉसिबिलिटी में डिस्टेंस ए बी टू आएगा दूसरी पॉसिबिलिटी में डिस्टेंस ए बी एटीन आएगा पहली पॉसिबिलिटी में हम लेंगे बी इज इन बिटवीन ए एंड सी दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बी बाद में भी हो सकता है क्योंकि अपने को बताया नहीं है कौन बिटवीन है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन बिटवीननेस कैसे दिखाते हैं ए बी दैट इज क्या होता है बिटवीननेस ऐसा लिखते हैं हम यहाँ क्या हो जाएगा दैट इज ए सी इज इन बिटवीन ए एंड बी देन व्हाट वी गेट डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा हमको डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी दिस इज अवर सेकंड पॉसिबिलिटी तो डिस्टेंस ए बी
इक्वल टू डिस्टेंस एस इज व्हाट 10 है एंड डिस्टेंस सी वी इज 8, तो क्या मिलता है हमको 18 यूनिट। तो देखो यार 2 यूनिट, हाँ, ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी इज दिस 10, डिस्टेंस ए बी इज 8, फाइंड ए बी। कैसा निकालना है? देयर हियर इज टू पॉसिबिलिटी, डी इज इन बिटवीन ए एंड सी, देन वी गेट ए बी इक्वल टू 2। इफ सी इज इन बिटवीन ए एंड बी, देन डिस्टेंस ए बी इज 18। ऐसी दो पॉसिबिलिटी करके दिखाना है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फाइव क्या बोला है? एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। अब कौन ही बिटवीन है वो नहीं बताते। कोलिनियर एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, डिस्टेंस एक्स वाई 17, डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू 8, फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड। एक्स वाई जेड आर कोलिनियर बस सेम है, जैसा आपने फोर्थ किया है वैसा ही फिफ्थ करना है। यहाँ पे भी ये कोई भी बिटवीन लेना है, y को बिटवीन लेते हैं तो x y इज इन बिटवीन x एंड z, देन व्हाट वी गेट एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड। पहली केस ले लेते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। वैसी टू पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, लेट y lies in between x and z, x and z के between y है ऐसा हम मान लेते हैं, x यहाँ y है यहाँ z है, ऐसा है x y z। therefore क्या होगा? distance x y plus distance y z equal to distance x z। x y कितना है 17, yz कितना है 8 इक्वल टू डिस्टेंस xz 17 प्लस 8 25। therefore डिस्टेंस xz इक्वल टू व्हाट 25। अब मान लेते y नहीं है, z इज बिटवीन है। सेकंड केस, लेट पॉइंट z लाइज इन बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में ए जेड इज लाइन्स। फिगर कैसे बनेगी? x z y मीन्स फिगर ऐसी बनेगी हमारी, x x x this is z and this is y. If z is in between x and y, then distance xz plus distance zy equal to distance xy. क्या हो जाएगा? Therefore distance xz plus distance zy इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई, एक्स वाई पुट द वैल्यूज, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स जेड, एक्स जेड निकालना है। तो डिस्टेंस एक्स जेड प्लस जेड वाई इज गिवन, जेड वाई मीन्स वाई जेड 8, एक्स वाई इज 17, 8 bring on right side, we get distance xz equal to 17 minus 8 equal to 9. Same hai, fourth and fifth problem are same.
तो क्या करना है, दो पॉसिबिलिटी का यहाँ विचार करना है, एक पॉसिबिलिटी नहीं है, दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमको दिया नहीं है कौन किसके बीच में है, कौन किसके बिटवीन है। तो बिटवीन पहले हमने यहाँ वाई लिया, तो हमको एक्सैक्ट 25 मिलता है। इफ वी टेक जेड इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई, देन वी गेट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एक्सैक्ट इज 9। तो इस तरह हमको ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बिटवीन इज दिया है, तो ये 6 का 3 वाला प्रॉब्लम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 वाला प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 3, थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लेंथ एक्स जेड ये दिया, मीन्स वाई इज इन बिटवीन एक्स एंड जेड, मीन्स डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। बिटवीननेस इज गिवन, मीन्स डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। तो डिस्टेंस एक्स जेड इज 3√7 एंड डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू, फाइंड आउट एंड रूट एक्स वाई, डिस्टेंस एक्स वाई इज गिवन √3, एक्स सॉरी √7, क्या दिया है √7। क्या है वाई इज इन, वाई इज यहाँ दिया है हमको गिवन, क्या बोला है वाई लाइज इन बिटवीन एक्स एंड जेड, लिखेंगे हम वाई लाइज इन बिटवीन पॉइंट एक्स एंड जेड, देयर फॉर व्हाट डिस्टेंस एक्स वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड, वाई जेड इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। सिंपल डिस्टेंस एक्स वाई √7, डिस्टेंस वाई जेड फाइंड आउट, डिस्टेंस वाई जेड डिस्टेंस एक्स जेड इज 3√7, √7 इस साइड लॉ क्या मिलेगा, डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 3√7 माइनस √7। तो ये कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन आएगा √7, तो हेयर इज 3, हेयर इज -1, √7 यदि कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ 1 हेयर इज 3, 3 माइनस 1 मीन्स 2, 2√7। इन दिस वे वी कैन फाइंड ऑल दिस 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में हमको 3 सब सब क्वेश्चन है, उसमें से थर्ड मैंने करके दिया है और इससे भी इजी है बाकी के 2 क्वेश्चन, यू कैन डू दिस वेरी इजीली। डिस्टेंस इज वेरी इजी कंसेप्ट। अब हमने डिस्टेंस कैसा निकालते हैं बिटवीन रहा तो कैसा, एक्स वाई जेड जैसा यहाँ पे, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड। अब जब डिस्टेंस लिखते हैं तो ये कॉमा लिखते हैं, डी लिखते हैं वाई जेड, इसको कहते हैं डिस्टेंस वाई जेड। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ऑल डिस्टेंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, व्हिच फिगर फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मालूम है हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए है कहीं पे, तो कौन सी फिगर बनेगी, ट्रायंगल बनेगा, कौन बनेगा ट्रायंगल। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होता है।